हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी फैजा ब्यूटी क्रीम की। ये एक पाकिस्तानी क्रीम है, ये आपको ऑनलाइन में अवेलेबल होगी। इंडिया में जो है कोई भी लोकल स्टोर में नहीं मिलेगी और ना ही कोई मेडिकल स्टोर में, ठीक है। तो ख़रीदना भी अगर आप चाहते हो तो ये आपको ऑनलाइन में ही मिलेगी। तो गाइज, ये क्रीम जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बिकने वाली क्रीम है ये स्किन वाइटनिंग के लिए। इसका छोटा साइज़ का प्राइस है 195 रुपीज़, ठीक है। तो ये क्रीम का काम बेसिकली स्किन को गोरा करने का होता है, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करना होता है, चेहरे से दाग धब्बे को हटाना है, स्किन को जो है स्पॉटलेस बनाना है। तो अगर आपने गोरी क्रीम का यूज किया है तो वैसे ये भी उसी टाइप की क्रीम है। ये का टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही है, थिक क्रीम है ये। गाइस, फैजा क्रीम में कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज किया गया, कुछ केमिकल है, कुछ का नाम मेंशन किया गया है, कुछ का नाम मेंशन नहीं किया गया है। तो गाइस, मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी ये क्रीम को यूज करने के लिए। ये स्किन को बहुत जल्दी गोरा करती है, नो डाउट इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज करने से इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है, चेहरे पर बाल भी आ सकते हैं। तो गाइज, ऐसे भी ये क्रीम को जो है सेंसिटिव स्किन वालों को यूज़ नहीं करना है, ना ही एक्नेपोन स्किन वालों को, जिनकी ऑलरेडी सेंसिटिव स्किन है, पिम्पल्स वाली स्किन है, तो उनको हो सकता है और भी ज़्यादा पिम्पल्स निकल जाए। तो गाइज, ये क्रीम जो है इंस्टेंट फेयरनेस देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी इसको खरीदने के लिए। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।